जहाँ बरकतें मिलती हैं, जहाँ बरकतें मिलती हैं। आओ खुदावन के घर चले, जहाँ नेमतें मिलती हैं, जहाँ नेमतें मिलती हैं। आओ खुदावन के घर चले, आओ खुदावन के घर चले। सुरानु मिला के हालेलुया गा के पास का मनोना हो, पास का मनोना। सुरानु मिला के हालेलुया गा के पास का मनोना हो, पास का मनोना। हालेलुया को सारे जिंदा मसीहा होया, हालेलुया को सारे। टिके सिपाही सबे मुंह पर ने डरते मारे, टिके सिपाही सबे मुंह पर ने डरते मारे। हजमा के जोर सब लाके सच नु छुपाना हो, सच नु छुपाना। सुरानु मिला के हालेलुया गाके पास का मनोना हो, पास का मनोना। नवजन्मे बच्चों की तरह शुद्ध रूहानी दुध की तांग करो, ता जो उसके नाल तुसी मुक्ति विच वधदे जाओ। हालेलुया। बाप अते बेटा अते रूह पाक दे नां दे उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारयां दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल वी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे प्राप्त पैनो, अज असीं इलाही रहम दा एतवार मनाउंदे हां। इलाही रहम, इसनूं असीं खुदा दी दया भी कहिंदे हां। यीशु मसीह दे विच सानूं खुदा दी अनंत दया दा वरदान मिलदा है। जदों साडे उत्ते दया हुंदी है, साडे पाप माफ हो जांदे हैं। जदों साडे उत्ते दया हुंदी है, असीं खुदा वल्लों स्वीकारे जांदे हैं, माफ कीते जांदे हैं, फिर उसकी हजूरी विच बुलाए जांदे हैं। यीशु मसीह ने संतनी फौस्टिना नूं दर्शन दे के अपनी दया दा सागर जो उसने मनुख जाति लई भरिया होया है उस नूं प्रगट करदा है। संत पापा दूजे ने यह दया दा एतवार ईस्टर वाले एतवार तो बाद ही नियुक्त कर दिता। उसकी मुक्ति, उसकी दया सानू फिर नव जीवन दिंदी है। साढ़े गुनाहों नू माफ किया जाता है, साढ़े बुरेपन नू भुलाया जाता है। यीशु मसीह पूरे दिल नाल, पूरे प्यार नाल साढ़े नाल पेश आता है अते साड़ी रूह नू, साड़ी जान नू अनंत जीवन देने लिए साढ़े उत्ते हर तरह की दया करता है। तो आओ असीं भी दयावान बनीए, माफी देने वाले बनीए अते प्रभु यीशु मसीह की दया विच निहाल हुंदे हुए दुनिया विच एक दया दा, एक प्यार दा, एक शांति दा नवा संदेश दईए। इस पाकमास की कुरबानी में असी अपने गुनाहों से माफ़ी मंगी
अते खुदा दी दया नू महसूस करन लई अपने आप नू तैयार करिए। मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा अति तुहाडे अगे ए प्राओ ते पैनो कि मैं सोच नाल बोल नाल करे नाल अते अनगहली नाल बहुत गुनाह कीते अपने दोष दे नाल अपने ही दोष दे नाल अपने बहुत बड़े दोष दे नाल इसलिए मैं तन सदा कुवारी मरियम सारे फरिश्तियां अते संतां अते तुहाडे अगे ए प्राओ ते पैनो मैं बेनती करदा हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा देगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े ते दया करे साढ़े गुनाहन माफ करके सानू सदी विच जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ऐ प्रभु दया कर ऐ प्रभु दया कर ऐ मसीहा दया कर ऐ मसीहा दया कर ऐ प्रभु दया कर ऐ प्रभु दया कर। स्वर्ग दे विच वड्याई महिमा होवे खुदा दी स्वर्ग दे विच वड्याई महिमा होवे खुदा दी धरतियों ते नेक नीयत लोकां दे विच शांति धरतियों ते नेक नीयत लोकां दे विच शांति ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਨ ਤਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਟੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕੁਦਰਤ ਭਲੇ ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋਤੇ ਬੇਟੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿੰਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਇਆ ਤੂੰ ਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗੁਣ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮ ਚਾਹੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹਾ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਪ ਤੇ ਰੂਪਾਗਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀਓਂ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ
महिमा होवे खुदा दी धरती ते नेक नीयत लोकां दे विच शांति असी प्रार्थना करिए। हे सदीवी रैम दे खुदा, हर वारी पासका दे जशन नू दोहराउन दे वेले तू अपने लोकां दे ईमान नू जगाउंदा है, साडे उत्ते बरसाए गए फजल नू वदा तां जो असी सारे सही ढंग नाल समझ लईए कि केड़े पाणी विच असी धोते गए हां, केड़ी रूह दे नाल सानू नवां जन्म मिलिया है अते किस दे लहू दे राही असी मुक्त किए गए हैं। साढ़े प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूह पाक की एकता विच एक खुदा जीउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर आमीन। खुदा तेरे दिल ते जुबान शुद्ध करे ताकि योग रीति नाल तो सिस्ती बाणी सुनो बाप बेटर पाठ पहला रसूलां दे करतब उसदा चार बाब 32 ऐत तों 35 ऐत तक। ईमान लिआउण वालिआं दा टोला इक दिल अते इक जान सी अते किसे ने भी अपने माल असबाब उत्ते अपनी मालकी दा इह दावा ना कीता के जो उसदे कब्जे विच सी ओह उसदा ही है, सगों सब कुछ उत्ते सांझी मालकी मन्नी जांदी सी। रसूल बड़ी शक्ति नाल प्रभु येसु दे जी उठण दी अगवाही दिंदे सन अते उहना सारिया उत्ते वड़ा फजल बनिया होया सी। उहना विच्चों किसे नू भी कोई थोड़ नहीं सी, क्योंकि जिन्ना कोल खेत जां मकान सी उसनू ओह वेच दिंदे सन अते जो वेचिया जांदा सी उसदा मुल लिया के ओह रसूलां दे चरना ते रख दिंदे सन अते उसनू हर किसे दी लोड़ अनुसार सारयां विच वंडिया जांदा सी। एह प्रभु दी पाक बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। आसरा मेरा है तू ही ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही खुदा। मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, आसरा मेरा है तू ही ऐ खुदा, आसरा मेरा है तू ही ऐ खुदा। मैनू ना छटी ना मैं थो होई दूर, मैनू ना छड़ी ना मैं थो होई
दो मैनू ना छटी ना मैं थो होई दूर मैनू ना छटी ना होई दूर कर मदद को मुक्ति तहते ए खुदा कर मदद को मुक्ति तहते ए खुदा मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा आसरा मेरा है तू ही ए खुदा आसरा मेरा है तू ही पाठ दूसरा साडा ईमान भाईचारक प्यार दा सोमा है खुदा सारे मनुखां नूं अपनी संतान समझ के प्यार करता है जिहड़ा इस गल उत्ते ईमान रखता है वह दूजियां नूं जरूर ही प्यार करेगा अते उन्हां दे लई त्याग करन वास्ते तैयार हो जाएगा संत यूहन्ना दा पहला पत्र पंज बाब एक तो छे आयत हर कोई जो ईमान रखता है कि यीशु ही मसीह है वह खुदा तो पैदा होया है अते जो कोई बाप नू प्यार करता है वह उसकी संतान नू भी प्यार करता है जे असी खुदा नू प्यार करते हाँ अते उस दियां आग्यावां दी पालना करते हाँ तो इस तों असी जाणांगे कि असी खुदा दी संतान नू प्यार करते हाँ क्योंकि खुदा दा प्यार यह है कि असी उस दियां आग्यावां दी पालना करिए अते उस दियां आग्यावां बोझ नहीं हन क्योंकि हर कोई जो खुदा तो पैदा होया है वह संसार उत्ते फतह पाउंदा है अते फतह जो संसार उत्ते जित है वह है साडा ईमान कौन है जो संसार नू जित लैंदा है बस उही है जो मानता है कि यीशु खुदा दा बेटा है यही वह है जो पानी अते लहू दे नाल आया यीशु मसीह निरा पानी नाल नहीं सगों पानी ते लहू दे नाल अते ए रूह है जो उस दे बारे अगवाही देंदा है क्यों जो रूह सच्चाई है प्रभु दी पाक बाणी खुदा दा शुक्र होवे ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना जागे उठेगा सारा जमाना ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना जागे उठेगा सारा जमाना भूले भटकों को राह पर लाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे घर घर में अंजील सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे पाठ पवित्र अंजील दा संत यूहन्ना दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु उस दिन हफ्ते दे पहले दिन शाम वेले
जिथे चेले सन अते यहूदियां दे डर दे मारे उत्थों दे बूहे बंद सन, उत्थे यीशु उन्हां दे विचकार आके खड़ा हो गया अते उन्हां नूं कहा तुहानूं शांति मिले। ये आखन दे बाद उसने उन्हां नूं अपने हथ अते वक्खी विखाए। जदों चेलियां ने प्रभु यीशु नूं वेख्या तां बहुत खुश होए। यीशु ने फिर उन्हां नूं कहा तुहानूं शांति मिले, जिस तरह बाप ने मैनू कल्या है उस तरह मैं तुहानू कलदा हूँ। ये आके उसने उन्हां उत्ते सुआस फूकिया ते उन्हां नूं कहा रूह पाक लवो, जेकर तुसी किसी दे पाप माफ करोगे तो उन्हां नूं उन्हां दे पाप माफ किते जाणगे, जेकर किसी दे पाप कायम रखोगे तो वह कायम रहेंगे। जदों यीशु आया सी तो थोमा बारह विचों एक जो जोड़ा अखवांदा सी उन्हां दे नाल नहीं सी, इसलिए दूजे चेलियां ने उस नूं दस्या सी प्रभु नूं वेख्या है, पर उस ने कहा जद तक मैं उसके हत्थां विच किल्लां दे निशान ना वेखां अते किल्लां दे निशानां विच अपनी उंगली ना पावां अते उसकी वक्खी विच अपना हथ ना पावां मैं मन्नांगा नहीं। अठ दिनां दे बाद उसने चेले फिर घर दे अंदर सन अते थोमा उन्हां दे नाल सी, बूहे बंद सन पर यीशु आया अते उन्हां दे विचकार खड़ा हो गया अते कहा तुहानूं शांति मिले। फिर उसने थोमा नूं आख्या अपनी उंगली इत्थे पा ते मेरे हत्थां नूं वेख, अपना हथ अगे कर अते मेरी वक्खी विच पा, विश्वासहीन ना रह सगों मनन वाला बन। थोमा ने उत्तर दिता मेरे प्रभु अते मेरे खुदा। यीशु ने उसनूं कहा कि तू इस लई मन लिया है क्योंकि तू मैनूं वेख लिया है, धन ओह हन जिन्हां ने नहीं देखिया ते फिर भी मनदे हन। यीशु ने अपने चेलियां दे सामने होर भी बहुत सारे निशान विखाए जिहड़े इस पुस्तक विच नहीं लिखे गए, पर ये लिखे गए हन तां जो तुसी ईमान लियाओ कि यीशु मसीह है खुदा दा बेटा, ते ईमान लियाउण नाल तुसी उसदे नाम विच जीवन पाओ। ये प्रभु दी अंजील है। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे प्रावत पैनो, अज सानू दो तरह नाल भाईचारक प्यार दिखाउण दा संदेश मिलदा है। जिहड़ी पहली मुढली कलीसिया सी अपनी, जदों उन्होंने खुदा का वचन सुनिया, खुदा ते विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह जिन्हों साढ़े नेतावान ने मार दिता उसनों खुदा ने जिंदा किया है अते उस विच असी अनंत जीवन पा सकते हैं, तो वह मुढ़ली कलीसिया जिहड़े पहले लोग सन जिन्होंने विश्वास किया सी चेलियां दे भाषण ते जां चेलियां दे वचन नूं सुन के प्रभु यीशु मसीह दे बारे, वो साडे लई एक मुढ़ली कलीसिया बन गई अते वो मुढ़ली कलीसिया असी पहले पाठ विच सुनिया कि वो सारा ही अपना धन संपत्ति वेच के चेलियां दे पैरां विच रखन लग गए अते सारे ही वंड के खाण लग गए। कोई भी अपने जमीन ते अपने माल डंगर उत्ते मालिक होण दा अहसास नहीं जताउंदा सी, पर वो प्यार विच रहिंदे होए वंडदे होए अपना जीवन बतीत करन लगे। ते इत्थे की पता लगदा, वो एक दिल अते एक जान हो गए। उन्हां दा इही आपसी रहना बहना वंड के खाना एक प्यार दी निशानी बन गई, भाईचारक प्यार दी एक निशानी बन गई। एक जमात एक संस्था प्यार विच किद्दां रह सकदी है, दुनिया दे लई एक नमूना पेश कीता। फिर सानू दूसरी जगह इस तरह प्यार दी मिसाल मिलदी है साढ़े विश्वास करन नाल। खुदा सारयां नूं प्यार करदा है, जे असीं वी एक दूजे नूं प्यार करन लग जाइए
तो फिर असी एक हो सकते, फिर एक संस्था, एक जमात, एक प्यार, एक भाईचारा सानू फिर प्यार दी मिसाल मिलती। तो इसलिए पहले पाठ विच वंड के खाना एक भाईचारक प्यार दा प्रतीक है। ये ईमान करना कि खुदा सानू प्यार करता है, इसलिए सानू भी एक दूजे नू प्यार करना चाहिए है। तो जो असी करते हाँ फिर असी एक प्यार वाली संस्था बना। इहदे विच साडे विच प्यार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार नाल ही असी एक दूजे दे नाल रह सकते हैं। तो जो दूजे नू प्यार करन दी कोशिश करता है, खुदा दी आज्ञावां नू मनन दी कोशिश करता है, वो खुदा दा बच्चा सेवक अते भाईवालता दा एक निशान बन जाता है। क्योंकि इत्थे सानू यही सिखाया जा रहा है। तो जे अज असीं अंजील वल देखिए, जी उठा यीशु मसीह अपने चेलियां नू शांति दा निशान दिंदा है, जो कि मैं एक दिन पहले भी समझाया थी कि शांति दा इत्थे निशान दा मतलब है तुसी एक हो, भाईचारे विच रहो, एक दूजे की सलामती की मंग करो। पर असल विच प्रभु यीशु मसीह उन्हां नू शांति दिंदा है, उन्हां विच आत्मा का स्वास फूकदा है महान काम करन लई, अते उन्हां नू फिर प्यार नाल भर दिंदा है, अपनी शांति नाल, अपनी प्यार नाल, अपनी खुशी नाल उन्हें भरपूर करता है, अते उन्हें नू ये नवे जीवन दी मिशन ते भेजता है। जिन्हां दे पाप तुसी माफ करोगे उन्हें दे माफ होंगे, जिन्हां दे नहीं करोगे खुदा अपने चेलियां नू शक्ति दिंदा है, अपनी शक्ति उन्हें नाल सांझी करता है, हर तरह की उन्हें शक्ति दिंदा है, बुरियां आत्मावां ते बीमारियां ते होर कई तरह दियां कमियां कमजोरियां थी खुदा अपने चेले नू अज बहाल करदा है, क्योंकि उसने अपना मिशन दा काम पूरा कर लिया, हुण वह वापस जाण वाले ने सानू छड्ड के। तो इसलिए अपनियां शक्तियां, अपना प्यार, अपनी शांति, अपनी आत्मा अपने चेले नाल सांझी करदा है, ताकि जो मुक्ति दा काम इत्थे शुरू होया वह जारी रहे। अते इंजील दे दूजे हिस्से विच संत थोमा, जो प्रभु यीशु मसीह उत्ते शक करदा है, जो ये मनना नहीं चाहुंदा, जिन्नी देर तक वह प्रभु यीशु मसीह दे जख्मां विच अपनी उंगलां ना पा लवे कि यीशु मसीह जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह अज उन्हां लोकां नूं सन्मान दिंदे हन जिन्हां ने बिना देखिआं विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह जिंदा है। अते संत थोमा भी जदों देख लेंदे ने ते प्रभु नू अपना प्रभु अपना खुदा मन के अपना जीवन उस दे लई कुरबान करन दे लई तैयार हो जाते। प्रभु खुदा अजही एक शक्ति है कि जो भी इंसान उस नू जान लेंदा है, पहचान लेंदा है, उस उत्ते विश्वास कर लेंदा है, उहदा जीवन बदल जाता है, अते ओ नवा प्राणी बनता है। वो नवा प्राणी बन के दूसरों उस प्यार विच, उस भाईवालता विच, उस सांझ विच, उस शांति दे विच आउण दे लई मददगार बनते हैं। यही सानू पहला ते दूसरा पाठ सिखाते हैं। तो आओ असी भी यीशु मसीह दे गवाह बनीए, यीशु मसीह दे प्यार नू, यीशु मसीह दी शांति नू, यीशु मसीह दी भाईवालता नू, यीशु मसीह की खुशी नू अपने जीवन द्वारा एक दूजे तक पहुँचाउण की कोशिश करिए। आमीन। असी सारे खड़े होइए अते अपने ईमान का ऐलान करिए अते आखिए, रसूलां दा कलमा, मैं खुदा उत्ते ईमान रखदा हाँ जिहड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान अते जमीन का पैदा करने वाला है, मैं यीशु मसीह उत्ते ईमान रखदा हाँ जिहड़ा उसका इकलौता बेटा अते साडा खुदावंद है, और रूपाक दी कुदरत नाल कुवारी मरियम दे गर्भ विच होया ते उस तो जमया,
ਉਸਨੇ 35 ਫਿਲਾਦੂਸ ਸਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੈਥਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਲਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕ ਪੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਈਏ। ਅਣਵਚਨ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਨੁਵਚਨ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਨੁਵਚਨ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਵਚਨ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਫੜੀ ਯੇਸ਼ੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਆਮੀਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੜਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਸਮਨ ਰੂਹ ਬਦਨ ਪ੍ਰਸਤੀਸ਼ਕ ਕਰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹੋਸਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹੋਸਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹੋ
सना हालेलुया हो सना। है कुछ भी नहीं पास मेरे, तुझको चढ़ाने तुझको चढ़ाने आऊं जो। फिर भी ये दिल तुझको दिया, फिर भी ये दिल तुझको दिया, जीवन भी देने आया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा साडा बाप मेरी ते तुहाडी इस कुर्बानी नूं प्रवान करे। प्रभु इस कुर्बानी नूं तुहाडे हथां दे विचों आपणे नां दी उस्तत ते वडियाई लई अते साडे अते सारी पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करे। हे प्रभु अपने लोकां दे नजराने नूं कबूल कर जिन्हां नूं तूं नवां जन्म दित्ता है तां जो तेरे नाम नूं मन लैण अते बपतिस्मा हासिल करन दे राही उस दिवी खुशी पा सकन साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपना दिल प्रभु वल लगाओ, असी अपना दिल प्रभु वल लगाउंदे हां। असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए, इह सही अते योग्य है। हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले अते काल खुदाए सचमुच सही अते योग है, मुक्ति पाउण दा राह है कि असी हर वेले अते हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्नवाद करिए। पासका दे समय से हमेशा नालों वधेरे खुशी नाल तेरी वडियाई करते हैं। जदों मसीह साडे लई पासका कुरबान होया नवे तसदीवी जीवन वाल जी उठते हुए उसने सानू चानन दे तियां पुत्र बना दिता है। अपने वफादार ईमानदारां नूं कबूल करन लई उसने स्वर्ग दे बूहे खोल दिते हन। उसकी मौत साडे लई मौत तो रिहाई की कीमत है अते उसका जी उठना साडे जीवन लई मुड़ बहाली है। इसलिए से अपनी खुशी विच फरिश्तें दे संगीती जत्थियां नाल मिल के तेरी महिमा दे गीत गाउंदे होए ये ऐलान करदे हां। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा, स्वर्ग ते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन। उचियां विच होसना, मुबारक है ओ जो प्रभु दे नां ते आउंदा है। उचियां विच होसना। हे प्रभु तू सचमुच पाक है ते सब पवित्रता दा सोमा है, इसलिए असीं बेनती करदे कि जिस तरह त्रेल पैंदी है उस तरह तू अपने रूप पाक नूं भेज के इन्हां नजराने नूं पवित्र कर तां जो साडे लई साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जाए। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप नूं दुख तसियां लई सौंपदे होए रोटी लई धन्नवाद करदे रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां नूं दित्ती कहिंदे होए तुसी सारे ए लाओ ते इस विचों खाओ क्यों जो मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुरबान कीता जाएगा। इस तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया एक बार फिर धन्नवाद करदे प्याला अपने चेलियां नूं दित्ता कहिंदे होए तुसी सारे लाओ ते सुचम पीओ क्यों जो मेरे लहू दा प्याला है नवे तसदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे ते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच इह करिआ करो। ईमान दा पेत ऐ प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठण दी मुनादी करदे हां जद तक तू फिर आवेंगा। है प्रभु असी यीशु मसीह दी मौत अते उस दे जिठण दी यादगारी नूं मनाउंदे होए तेनूं जीवन दी रोटी अते मुक्ति दा प्याला चढ़ाउंदे हां। असी तेरा धन्नवाद करदे हां क्यों जो तू सानूं इस योग ठहराए कि असी तेरी हजूरी दे विच दाखल हो के तेरी सेवा करिए। असी हलीमी नाल दुआ करते हैं कि मसीह दे बदन ते लहू विच हिस्सा लैण दे द्वारा असी रूह पाक दे राहीं एकता विच बजे रहिए।
हे प्रभु सारी धरती उत्ते फैली हुई अपनी यात्री कलीसिया नूं याद कर ते उसनूं साढ़े संत पापा फ्रांसिस साढ़े बिशप अग्नेलो अते सारे परोहितां नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रख। साढ़े भैन भरावां नूं वी याद कर जिहड़े जिठण दी उम्मीद नाल सौंगे हन ते उहनां सारिआं नूं जो तेरे रहम विच मर गए हन इहनां दा तूं अपनी हजूरी दे चानण विच स्वागत कर। हे प्रभु असीं बेनती करदे हां कि साढ़े सारिआं उत्ते दया कर तां जो तन कुआरी मरियम खुदा दी मां दे नाल को उस कुआरी दे मुबारक और संत यूसुफ दे नाल तन रसूलां ते सारे संतां नाल जिन्हां ने सारे युगां विच तैनूं खुश कीता है असीं सदीवी जीवन दे वारस होंदे हकदार बन जावांगे ते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राहीं तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उसते राही अते उसते नाल अते उसते विच ऐ खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूपाक दी एकता विच सब जलाल अते वडियाई तेरी ही है सदा तो सदा तीकर आमीन। आओ असीं सारे खुदा दी आत्मा नूं स्वीकार करन लई प्रार्थना करिए जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सानूं सिखाया है। ऐ साडे बाप जिहड़ा तू आसमान उत्ते है तेरा नाम पाक बनिया जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान उत्ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे साडे रोज रोटी अज सानूं दे साडे कसूर सानूं माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां सानूं अजमाइश विच ना पा सगों भलाई तों बचा। हे प्रभु असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तों सानूं बचा अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाह तों मुक्त रहीए अते हर मुसीबत तों सुरक्षित रहीए जिवें मुबारक उम्मीद रखदे होए असीं इस मसीह साडे मुक्तिदाता दे आउन दी उड़ीक करदे हां क्यों जो राज कुदरत अते जलाल युग युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीह तो अपने रसूलों नूं आख्या मैं तुहानूं शांति दिंदा हाँ अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हाँ तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख ते उसनूं अपनी मर्जी मुताबक शांति ते एकता प्रदान कर तू जो जिउंदा ते राज करदा है सदा तू सदा तीकर आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। आओ असीं आप विच शांति दा निशान देईए। ऐले ले खुदा दे तू जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है साडे उत्ते दया कर। ऐले ले खुदा दे तू जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है साडे उत्ते दया कर। ऐले ले खुदा दे तू जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है सानूं शांति दे। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੀਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲੀਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਿਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਲੈ ਆਵੇਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਗ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। तेरा बदन मैं खावां यीशु तेरे प्याले चो पीवां यीशु तेरा बदन मैं खावां यीशु तेरे प्याले चो पीवां यीशु मेरी जिंदगी दा मालिक है तू ਤੇਥੋਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਯਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਥੋਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਯਸੂ ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਯਸੂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਪੀਵਾਂ ਯਸੂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਾਂ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ
शक्ति परां तेरा शुक्र करा मैं सदा तेरा शुक्र सुनावां यसु तेरा बदन मैं खावां यसु तेरे प्याले जो पीवां यसु तेरे प्याले जो पीवां यसु असी प्रार्थना करिए। है पूरी कुदरत वाले खुदा बख्श दे कि यह पास्का सैक्रामेंट जो असी लेंदे हाँ साडे मना ते रूहां लई हमेशा असरदाई बनिया रहे साडे प्रभु यीशु मसीह राही आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे नाल भी होवे। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप बेटा ते रूह पाक तुहानू आशीर्वाद देवे आमीन। कुर्बानी चढ़ाई गई प्रभु दी शांति विच आईए खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर याद कर ऐ नहायत मेहरबान कुआरी मरियम कोई कदे नहीं सुनया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदियां तेरी मदद चाहुंदियां तेरी सिफारिश मांगदियां ते तू खाली गया होवे ऐ कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां इस तसली नाल मैं तेरे को नस के आंदा हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदा हां ऐ दे तारी होए कलाम दी मां मेरी अर्जन हकी न जान सगो मेहरबानी नाल सुन अति कबूल कर आमीन। शांति दी रानी मुबारक मां मरियम साडे लई दुआ कर। मसीहा यीशु मसीहा होया ए जिंदा होया ए जिंदा मेरा मसीहा यीशु मसीहा होया ए जिंदा होया ए जिंदा हार गई ए मौत ते होया शैतान शर्मिंदा हाँ शर्मिंदा हार गई मौत ते होया शैतान शर्मिंदा हाँ शर्मिंदा जिंदा मसीह दी हर थां ते चर्चा करदे ने लोकी सारे जिंदा मसीह दी हर थां ते चर्चा करदे ने लोकी सारे खाली कबर वेख जिंदा मसीह दी हालेलुया लोन नारे खाली कबर वेख जिंदा मसीह दी खुशियां चलाउंदे ने नारे दिंदे पए ने गवाही यसू दी उड़दे पंछी उड़दा परिंदा मेरा मसीहा यीशु मसीहा होया ए जिंदा होया ए जिंदा हार गई ए मौत ते होया शैतान शर्मिंदा हाँ शर्मिंदा।